खोलने को लेकर कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है कोरोना काल के बाद, किस तरह से उसको देखिए? देखिए COVID-19 का जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर रिपीट होने की चांसेस हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके इस बच्चों को कोई जोखिम में डालें। हम अगर स्कूल खोलते हैं, कोई स्कूल कोई जाएगा नहीं वहाँ पे, कोई अगर एकाध कोई केस निकल गया तो पूरे गांव को बंद करना पड़ा पड़ेगा। कई राज्यों ने शुरू किया, दिल्ली ने शुरू किया, हरियाणा ने शुरू किया, मध्य प्रदेश ने शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी उनको बंद करना पड़ा। तो हम क्यों अभी अभी खोलेंगे फिर बंद करना पड़ेगा? बोर्ड परीक्षा भी हम लोग बोर्ड परीक्षा दसवीं और बारहवीं के लिए आपने खुद कहा सर कि जो है ना अभी कुछ इलाकों में जहाँ नेटवर्क नहीं है हमको दिक्कत हो रही है, तो नहीं नहीं हम लोगों ने वहाँ पर नहीं हमने वहाँ पर पढ़ाई तो हर पारा खोला है। वहाँ पर बुलटू के बोल के द्वारा पढ़ाई हो रही है, और वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई भी वहाँ भी पढ़ाई हो रही है। तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग ने किया है ताकि परीक्षाएँ का जहाँ तक सवाल है, दसवीं और बारहवीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें हम लोगों ने हर माह के लिए अलग अलग कोर्स सिलेबस तैयार किया हुआ है कि किस महीने में क्या पढ़ाई होगी, और पढ़ाई के बाद अगले महीने में उसका इंटरनल उसकी टेस्ट लिए जाएंगे, वो भी मार्क्स उसमें रहेंगे, और कोशिश हमारी है कि परीक्षाएं हो। अगर परीक्षा अगर नहीं होती हैं तो इन जो मार्क्स इंटरिम जो आंतरिक जो मूल्यांकन होगा उसके ओके चलो की उपलब्धियां बताई और ये अभी चलती रहेंगी। एक जो है ना प्रदेश में बब्बर सिंह टैक्स का मामला आ रहा है, कोरबा में भी ये चल रहा है, और प्रति टन कोयले पे जो कमीशन है अब 25 रुपए से बढ़ के 30 रुपए हो गया। देखिए नहीं हो रहा है, ये क्या मामला? यहाँ कोई टैक्स नहीं है, ये जो GST है ना, ये गब्बर सिंह टैक्स, ये पूरे प्रशासन करके रखा है। ये हमारे जो टैक्स जो दिल्ली से मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है, इस कारण से बहुत से काम नहीं हो पा रहे हैं। 25 रुपए टन अगर नहीं दिया जाता है ना तो कोयला वाले को डीओ नहीं मिल रहा है। आपके माइंड में व्यापारी यहाँ पर हलाकान है। 25 रुपए तो किसानों को दे दिया जाए तो। हम लोग कोयला व्यापारी बात कर रहे हैं, कोयला व्यापारी यहाँ पे उनको डीओ नहीं मिल रहा है, आपके कार्यालय से वापस चले जा रहे हैं, ये नहीं देते हैं। तो मैं इसको दिखा लूंगा सर, राम वन गमन पथ सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बस्तर में आदिवासी उसका विरोध कर रहे हैं, आप आदिवासी वर्ग से आते हैं, क्या कारण है सर? देखिए राम हमारे संस्कृति में रचे बसे हैं, और यहाँ के लोग अगर सुबह मिलते हैं तो सबको राम राम ही कहते हैं। अगर व्यापारी कोई है अगर तौल करता है वो, तो पहला जो है वो राम के नाम से करता है। तो राम तो हमारे संस्कृति में रचे बसे हैं, और राम तो इस छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय तक यहाँ पर वनवास काल में रहे, और उसके लिए हम लोगों ने राम वन पथ गमन जो बना रहे हैं, ये इतने साल तक भाजपा जो राम के नाम पे खाली वोट बटोरते रहे, शासन करते रहे, लेकिन उनको नहीं आया हम लोगों का जो राम, कौशल्या के राम, सबरी के राम, सबके आदिवासी सबके सब गरीबों के राम, हम उन राम को जो यहाँ पर रहे हैं उनका जो जहाँ जहाँ गए हैं वो पथ बना रहे हैं, और पूरे संस्कृति को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। कटघोरा डीओपीओ की लगातार शिकायत आ रही है, जो उनके क्षेत्र में हाथी की मौत हो रही है, इंसान की मौत हो रही है, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो संरक्षण दे रही है, जो शिकायतें मिली होगी, मेरे पास शिकायत अभी आई नहीं है। आप प्रभारी मंत्री है, जांच इसके बारे में जांच के लिए बोलेंगे ना, तो शिकायत तो जांच करोगे? विधायक ने शिकायत किया सर, जांच नहीं, क्रिकेटर जी ने शिकायत किया, शिकायत अभी मेरे को मिला नहीं है। शिक्षा अधिकारी का भी मामला है, मैं उसको बोल चुका हूँ वहाँ पे सर, स्कूलों को खोलने को लेकर कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है कोरोना काल के बाद, किस तरह से उसको देखिए? देखिए COVID-19 का जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर रिपीट होने की चांसेस हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके इस बच्चों को कोई जोखिम में डालें। हम अगर स्कूल खोलते हैं, कोई स्कूल कोई जाएगा नहीं वहाँ पे, कोई अगर एकाध कोई केस निकल गया तो पूरे गांव को बंद करना पड़ेगा। कई राज्यों ने शुरू किया, दिल्ली ने शुरू किया, हरियाणा ने शुरू किया, मध्य प्रदेश ने शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी उनको बंद कर